इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजाकर नबूवत करें, और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाफ के पुत्रों में से तो जक्कूर, योसेफ, नतन्याह और अशरेला। आसाफ के ये पुत्र आसाफ की ही आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदुतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी यशायाह, हसब्याह, मतित्याह, ये ही छह अपने पिता यदुतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। और हेमात के पुत्रों में से मुक्कियाह, मतन्याह, लज्जियल, शबुएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलियालता, गिदलती, रोममतीजेर, योशब काशा, मल्लोती, होतीर और अहजियोत, राजाओं की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमात के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमात को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे, और आसाफ, यदुतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी, और उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। और पहली चिट्ठी आसाफ के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिनके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे, चौथी स्त्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, छठी बुकियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, सातवीं यसरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, नौवीं मतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे, दसवीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, ग्यारहवीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, बारहवीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, तेरहवीं शुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, चौदहवीं मतित्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, पंद्रहवीं यरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, सोलहवीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, सत्रहवीं योशप काशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, अठारहवीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, उन्नीसवीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, बीसवीं इल्लियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, इक्कीसवीं हुतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, बाईसवीं गिद्दलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, तेईसवीं महजियोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे, और चौबीसवीं चिट्ठी रोम मतीजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे।